भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी, बैठो कभी दो पल तन्हाई में, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, और मन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जब तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं। चिंता मत करो, वो परमेश्वर आपकी चिंता व परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया उसके साथ किया होता है उसे वो कभी भी नहीं भुला पाता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है जिस कुएं से पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं परेशान हूँ, वो अपनी औकात दिखा ही देगा। ईश्वर तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, परंतु उस पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तविकता में तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को भी दोष क्यों देना। कुछ लोग सिर्फ अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको ही होगी और दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छप जाते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाई में हो तब तक वाह वाह होती है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बहुत सस्ती है। वही जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखो, ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख समृद्धि भी आपको ही मिलेगी। इंसान के लिए बस दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का दर रहेगा तो उनकी कृपा तुम पर बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं सर, वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा हो जाती है, खामोश होने से बिल्कुल कम हो जाती है, और सब्र करने से तो गायब ही हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उन्हीं के लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जो मन चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, जो मन में हो वह चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का यहाँ कोई फायदा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर इस संसार से चला जाता है तब हम दुर्लभ हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए?
इस प्रकृति को ही देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने पर शोक नहीं मनाता, बल्कि नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप किसी के स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर भी कोई आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये प्रकृति का अटूट नियम है। इसमें शोक कैसा, जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो है आपके पास, उसका आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस ईश्वर के लिए सभी प्राणी सम्मान है, सभी में सम्मान रूप से ईश्वर का वास है। कोई जीव छोटा या बड़ा, कम या ज्यादा प्रिय नहीं है। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनके साथ सदैव ईश्वर उपस्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर, सभी में ईश्वर का वास है। ये ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की उष्मा है। उसी का वास प्रत्येक प्राणियों में है, जो सभी के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है। आत्म संयम भी ईश्वर ही है। ये संसार नश्वर है, सुख दुख हर्ष विषाद आदि लगा ही रहता है। दिन भर के सुख से जो खुश नहीं होता और असुर पर जो दुखी नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है कि यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए ही है, भले ही वह सुख हो या दुख। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।